नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आप देख रहे हैं नयन का स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। तीन तलाक विधेयक यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सरकार मुस्लिम औरतों की मसीहा बन चुकी है, बावजूद इसके कि बहुमत की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। लेकिन हैरत की बात तो देखिए, लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसदों में से एक भी मुसलमान नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के नेता मुसलमानों के प्रति आग उगलते रहते हैं। सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के जय श्री राम के नारे मुसलमान के खिलाफ हिंसा का बहाना बन रहे हैं। फिर भी तीन तलाक विधेयक के मुस्लिम औरतों के सशक्तिकरण का दावा किया जाता है कि इससे औरतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। तीन तलाक विधेयक के महिलाओं पर असर पर विचार करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि विभिन्न धर्मों से परिवार के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है। जनगणना 2011 के इन आंकड़ों पर गौर करें तो शादीशुदा महिलाओं का प्रतिशत मुसलमानों में 87.8%, हिंदुओं में 86.2%, ईसाइयों में 83.7% और अन्य अल्पसंख्यकों में 85.8% है। यानी अगर विवाह संस्था के अंदर होने से महिलाओं को कोई संरक्षण प्राप्त है तो इस मामले में मुसलमान महिलाएं सबसे अच्छी स्थिति में है। वही मुसलमानों में विधवा महिलाओं की संख्या अन्य सभी धर्मों से कम यानी 11.1% है। अगर हम वही हिंदुओं महिलाओं की आंकड़ा देखें तो 12.9%, ईसाइयों में 14.6% और अन्य अल्पसंख्यकों में 13.3% महिलाएँ विधवा है। परित्यक्ता यानी छोड़ दी गई महिलाओं का आंकड़ा या अलग रह रही महिलाओं की संख्या मुसलमानों में सबसे कम 0.6% है। सिर्फ एक मामले में यानी तलाकशुदा महिलाओं की संख्या के मामले में फर्क है, जहां 0.49% महिलाएं तलाकशुदा है। वहीं ईसाइयों में ये संख्या 0.4% और हिंदुओं में सिर्फ 0.22% है। वैसे छोड़ दी गई या अलग रह रही महिलाओं की संख्या तलाकशुदा महिलाओं से ज़्यादा है। अब जरा खुद ही समझने की कोशिश कीजिए कि तीन तलाक विधेयक मुसलमान औरतों को कैसे कमजोर बनाता है। इसे समझने के लिए विधेयक के खास बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 यानी तीन तलाक विधेयक का पहला बिंदु है इंस्टेंट तलाक को गैर कानूनी और अमान घोषित करना, यानी इस तरह दिया गया तलाक तलाक नहीं माना जाएगा। इससे पहले बिंदु में बड़ा झोल है। शोहर के बीवी को तलाक तलाक बोलने के साथ ही तलाक अमान्य हो जाता है। जब पति ने तलाक दिया ही नहीं तो फिर इसे लेकर पति को सजा कैसे हो सकती है। ये कानून तीन बार तलाक बोलने पर पति को 3 साल की सजा सुनाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सजा उसे कैसे मिलेगी जब बीवी या कोई खून का संबंध रखने वाला व्यक्ति शोहर की शिकायत करेगा, तब उन्हें सजा मिलेगी। इस शिकायत पर तीन तलाक का अपराध संज्ञेय अपराध माना जाएगा। संज्ञेय अपराध में पुलिस वारंट के बिना शोहर को गिरफ्तार कर सकती है। शरीयत में तीन तलाक पुरुष देता है और औरत को उसे कबूल करना होता है। तीन तलाक में यह माना जाता है कि औरत तलाक नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसे तलाक चाहिए तो शरीयत में खुला का प्रावधान मौजूद है जिसमें औरतें खुद शादी से अलग हो सकती है। सवाल उठता है कि जो बीवी तलाक नहीं चाहती वो अपने शोहर को जेल क्यों भेजना चाहेगी। वह आम तौर पर बातचीत और सुलह यानी कंपाउंडिंग का रास्ता अपनाना चाहेगी, जिसका प्रावधान भी विधेयक में मौजूद है। साथ ही ट्रिपल तलाक बिल पर विपक्ष ने भी मुखालफत किया है। इस पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये तीन तलाक बिल का असली मकसद मुसलमान परिवार को तोड़ना है। इतना ही नहीं, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिल का विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कोई गैर मुस्लिम अगर तलाक दे तो उन्हें 1 साल की सजा और मुस्लिम अगर तलाक दे तो उन्हें 3 साल की सजा, ये कहां का कानून है। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार खड़े मन से ऐलान करते हैं कि हमारा देश संविधान से चलेगा, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब जरा मुद्दों पर जिक्र करते हैं। तीन तलाक बिल का तीसरा बिंदु इसके बाद का है, जहां मान लीजिए बीवी ने तीन तलाक बोलने वाले शोहर पर मुकदमा करके उसे जेल भिजवा दिया, लेकिन चूंकि तीन तलाक बोलने से तलाक नहीं हुआ इसलिए बीवी तो बेहता ही रह जाएगी। इस स्टेटस के साथ औरत अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सकती, वह दोबारा शादी भी नहीं कर सकती।
चूंकि शादी टूटी ही नहीं है। फिर सवाल यह भी है कि इंस्टेंट तलाक जब जुर्म बन जाएगा, ऐसा तलाक देकर शोहर जेल क्यों जाना चाहेगा? वो बीबी को कोसेगा, उसे गालियां देगा, हिंसा करेगा, उस पर शादी तोड़ने का दबाव बनाएगा, लेकिन जब तक 3 बार तलाक शब्द वो अपने मुंह से नहीं निकालेगा तब तक जेल जाने से बचा रहेगा। यह पूरी प्रक्रिया औरत के पक्ष में कैसे हुई, उसे कैसे सशक्त बनाएगी। लेकिन अब शोहर के जेल जाने के बाद गुजारा भत्ता का मसला भी उठता है। विधेयक यह कहीं नहीं कहता कि शोहर के जेल में होने की स्थिति में बीवी को गुजारा भत्ता कौन देगा, बच्चों की कस्टडी मिलने पर उनके लालन पालन का खर्च कौन उठाएगा, शोहर, ससुराली या सरकार। शोहर मेंटेनेंस कैसे देगा, क्योंकि वह तो जेल चला जाएगा, उसका काम धंधा खत्म हो जाएगा, राज अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मानता, ऐसे में औरतों की वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी। 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम औरतों का वर्क पार्टिसिपेशन रेट 3 धार्मिक समुदायों हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों में सबसे कम है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनके साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में 40% और ग्रामीण क्षेत्रों में 50% है। शहरी क्षेत्रों में 71% मुस्लिम लड़कियां प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती और ग्रामीण क्षेत्रों में 48% है। वही मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के दौरान जरा बिल्किस बानो को याद कर लीजिए। साल 2002 की 3 मार्च को उसके साथ हुए सामूहिक बलात्कार में खुद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की जवाबदेही तय की है। पिछले 17 सालों में राज्य उसे संरक्षण नहीं दे पा रहा, जिसे भारत के सबसे ताकतवर लोग विकास का मॉडल बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मुसलमान औरतें असुरक्षित है, दूसरी तरफ दूसरी औरतों के सशक्तिकरण के नाम पर गाल बजाया जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे एनएएन का स्पेशल रिपोर्ट। कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।